मॉर्निंग क्लास, आज हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले एक्सक्रीशन के बारे में बात कर ली थी अपन ने, बट दैट वी वर टॉकिंग इन एनिमल्स, राइट। एक्सक्रीशन के बारे में बात कर ली थी, लेकिन वो अपन ने एनिमल्स के अंदर बात करी थी। एनिमल्स के अंदर भी स्पेसिफिकली अपन ने किसके अंदर बात करी थी, ह्यूमन बींग के अंदर, राइट। इन ह्यूमन बींग वी हैव सीन कि ह्यूमन बींग के अंदर एक्सक्रीशन के लिए पर्टिकुलरली सिस्टम पाया जाता है, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक सिस्टम पाया जाता है, सिस्टम को बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इससे ये तो क्लैरिफाई हो गया है कि जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग है, हर किसी के अंदर एक सिस्टम पाया जाता है एक्सक्रीशन के लिए, क्योंकि वी आर ईटिंग लॉट्स ऑफ स्टफ, बहुत सारी चीज़ें अपन खा रहे हैं। खाने के बाद में ऑब्वियसली प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है, जैसे प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट रिलीज होता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट रिलीज होता है। अब इस नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना दैट इज वेरी कंपल्सरी और इम्पॉर्टेंट। वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप इसको बाहर नहीं निकालोगे, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट हो जाएगा, और अक्यूमुलेट होने के बाद में इट विल बिकम टॉक्सिक। कैसा हो जाएगा ये, टॉक्सिक हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट का जो है बाहर निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी के चलते जो है एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग के अंदर सिस्टम पाया जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। बट इन प्लांट्स के अंदर जो जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस मटेरियल्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए किसी प्रकार के कोई जो है सिस्टम नहीं पाया जाता है, कोई सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। और सेम वैसे ही इसके अंदर भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस बनते हैं, जस्ट लाइक इफ वी टॉक अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, दोनों ही जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं इनका बाहर निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो है बॉडी से बाहर निकलना जरूरी है प्लांट बॉडी से, राइट। सेम वैसे ही रेस्पिरेशन के अंदर जैसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसा ही फोटोसिंथेसिस में बनता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है रिलीज होता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑक्सीजन, इसके अलावा ऑब्वियसली स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर एक प्रकार से एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं, जिनका बॉडी से बाहर निकलना दैट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नेचर के अंदर गैसेज का बैलेंस होना भी तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा बात करें अपन गम, टैनिंग, रेजिन, राइट, ये सारे भी ऐसे जो है प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्लांट कंटिन्यूसली अपनी बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं, एंड ये जो है हाइड्रोथोर्स से बाहर निकलते हैं। और वी कैन से स्टेम, तो आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि एक्सक्रीशन केवल एनिमल्स के अंदर ही होता है, ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स के अलावा प्लांट्स के अंदर भी अपन को एक्सक्रीशन देखने को मिलता है, प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस देखने को मिलते हैं। प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन की बात करें तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में भी जो है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस निकलता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी है गैसेस को बैलेंस करने के लिए। सेम वैसे ही प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के अंदर भी जो है एक गैस निकलती है ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का जो है प्लांट से बाहर निकलना जरूरी है। और भी बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस जो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज होते रहते हैं, जस्ट लाइक गम, टैनिन, रेजिन, ये सारे के सारे सब्सटेंसेस प्लांट्स के अंदर सिंथेसाइज होते रहते हैं, जो कि एक तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट का, जिनको प्लांट कंटिन्यूसली रिमूव करते रहते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टेम। स्टेम में जो है पोर्स पाए जाते हैं, दो पोर्स आर नोन एज हाइड्रोथोर्स। हाइड्रोथोर्स के थ्रू जो है कंटिन्यूसली बाहर निकलते रहते हैं। इसके अंदर कोई सिस्टम तो नहीं होता है, बट बेसिक प्रोसेस के थ्रू ये सारे के सारे सब्सटेंसेस बाहर निकलते रहते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन के बारे में है, यहीं पे जो आपका लाइफ प्रोसेस जो है चैप्टर ओवर होने वाला है, एक या दो टॉपिक बच रहे हैं वो भी आप करवा देंगे। एंड सून यू विल जॉइन द ऑफलाइन क्लासेस, राइट। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।